और शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर कौशाम्बी के सैनी कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पर एक अजीबोगरीब वाक्य हुआ। आपको बता दें कि जिस बेटे को परिजनों ने मृत समझकर दफना दिया था और उसका 40वां करने जा रहे थे, पर वो अचानक घर आ गया और बताया कि मैं जिंदा हूँ। मिली जानकारी के मुताबिक पता चला है कि पुलिस प्रशासन मामले की छानबीन करने में जुटा हुआ है और जो मृतक दफनाया गया था उसका डीएनए टेस्ट के लिए बीते दिनों में भेज दिया गया है। घर से चले गए थे गुस्सा के। अरे घर बैठे रहते थे, घर वाले ताना देते थे कि हम आते नहीं, हुई है वो, इसलिए गुस्सा के चले गए इलाहाबाद। फिर वहाँ 4 महीना हम रहे। फिर हमको कल एक रिश्तेदार मिला तो हमको बताने लगा कि आप मतलब यहाँ आपके नाम से वहाँ दूसरे को दफन कर दिए। तो फिर हम तुरंत अपनी मम्मी के फोन लगाए तो फिर हमको बताए तो हमसे बोले कहाँ हो, तो बोला इलाहाबाद में, तो कहा मिल सकते हम, कहें हाँ। फिर हम मेरे पास गए, फिर हमको लेके आए कल। क्यों चले गए थे घर से चले गए थे गुस्सा के। खबर सूरत से है, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि बीते कई सालों से मोबाइल स्नैचिंग में शामिल एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि वो कई सालों से इस तरह के वारदातों को अंजाम देता था। उसे पकड़ने के बाद पुलिस उसके गैंग की तलाश करने में जुटी है। वही खबर बनारस से है, जहां पर पुलिस प्रशासन की सख्ती के चलते एक अवैध शराब बनाने वाली गैंग का पर्दाफाश किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिले भर में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे थे, जिसके तहत 100 लीटर शराब बरामद हुई है और 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। वही पकड़े गए लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। शराब के संबंध में ये अभियान चलाया जा रहा है, अब तक आपके द्वारा क्या कितनी कार्रवाई क्या कार्रवाई हुई? जनपद में हम लोग लगातार अवैध शराब के वो तो अभियान चला रहे हैं आपका रियाक महोदय के निर्देशों के क्रम में। अभी हमारी टीम ने कल ही सहसवान क्षेत्र में और दातागंज क्षेत्र में और शहर क्षेत्र में अवैध शराब के अभियान चलाया है और लगभग 100 लीटर अवैध शराब बरामद की है और 2 लोगों को जेल भेजा है, 2 लोग पकड़े गए थे। और इसके अलावा वहाँ लगभग 500 kg लहन भी बरामद हुआ था, जिसको नष्ट किया गया मौके पर। तो एक महिला को गिरफ्तार किया गया, एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया, दोनों को। खबर कासगंज के सोरो कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पर एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद मृतका के भाई ने ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है और कहा है कि दहेज की वजह से उसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही साथ पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर चुकी है। ज्ञान सिंह, आपके सिस्टर के साथ हुआ क्या हुआ है? हमारी बहन के साथ दहेज मांगते थे ये। हमारी बहन का नाम चंदना है, पति का नाम उनकी का जसवीर सिंह है, गांव ध्रोची है और थाना सोरो है। थानों में 15 तारीख को हमने कंप्लेंट लिखाई थी संजना संग ही। उसके बाद में ये 15 तारीख को अपने गांव ले गए थे बुला के। 5 आदमी आए थे, शान करे थे उन्होंने कि हमारी जिम्मेवारी भेज दो। तो 17 तारीख को अपने पता नहीं कैसे उन्होंने मार दिया। आपको सूचना कब मिली? हमारी सूचना 16 तारीख को मिली थी साहब। उसके बाद हम मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए थे। हम सफदरगंज गए थे तो वहाँ भी हमें बताया सफदरगंज है। सफदरगंज पहुँचे थे तो वहाँ पे हमने कही हमें दिखा दो, तो वहाँ 4 बजे का टाइम दिया, वहाँ से हमें गुमराह करके वहाँ से भी चले आए। आज 17 तारीख से आज 22 तारीख हो रही है। हाँ, 20 तारीख। तो अब तक आपको पता ही नहीं मिला कुछ? हमें पता ही नहीं मिला, गुमराह करते रहे कि आज अलीगढ़ है, कि आज हम दिल्ली है, कि आज हम कासगंज है, कि अपने गाँव, हमें पता ही नहीं। मध्य प्रदेश के महितपुर से है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता विक्रम सिंह अंजना के खिलाफ कार्रवाई को कांग्रेस नेताओं ने झूठ बताया है और कहा है कि राजनीतिक खुन्नस की वजह से उनकी छवि बिगाड़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसके तहत कांग्रेस के प्रदेश सचिव दिलीप जैन बोस के नेतृत्व में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है और न्याय की मांग की गई है। आज जो ज्ञापन हमने दिया वो भीमा खेड़ा के पूर्व सरपंच विक्रम अंजना, जो की पूर्व सरपंच भीमा खेड़ा भी है, वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकालक सदस्य भी है। कल उनके साथ जो घटना हुई उसमें यह है कि वो अपनी गाड़ी ड्राइविंग करके जा रहे थे, सुनने में ऐसा आया कि वो लड़की आए दिन ऐसे घूमती रहती है स्कूटर पे, और उसके साथ जो लड़का था वो भी कोटा का रहने वाला है, यहाँ का नहीं था, ऐसी जानकारी मिली है। और पुलिस ने एकदम इस दबाव प्रभाव या राजनीतिक द्वंद्वता के कारण
354 में कार्रवाई कर दी। तो एक जनप्रतिनिधि है, सम्मानित है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, इस तरीके से झूठी रिपोर्ट उन्होंने 10 मिनट में कर दी। और अभी हम जब थाने पे बयान ज्ञापन देने गए तो बोले कोर्ट में उस लड़की के बयान भी हो गए। विक्रम सिंह आन्ना समाज को भी रिप्रेजेंटेट करता है, तो आन्ना समाज के भी काफी लोग यहाँ पर हुए हैं। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो आने वाले कल में आन्ना समाज और कांग्रेस पार्टी मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदारी पुलिस प्रशासन की होगी। खबर मध्य प्रदेश के महितपुर से है, जहां पर एक युवक के ऊपर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज करके मामले की छानबीन में जुट गई है। अभी महितपुर सिविल अस्पताल में एक युवक की खबर फिरोजाबाद के टूंडला से है, जहां पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसके तहत उपजिलाधिकारी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और तत्काल कार्रवाई भी की। और इसके अलावा जो समस्या तत्काल नहीं विस्तारित हो पाई उससे संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया और कार्रवाई का निर्देश दिया गया। सर, समाधान दिवस में कितनी शिकायतें आई हैं और किस तरीके की थी, क्या निस्तारण हुआ? देखिए, जो थाना समाधान दिवस है वो सरकार की बहुत अच्छी पहल है, और टुंडला में अभी आज 2 शिकायतें आई और उन दोनों का ही निस्तारण कर दिया गया है। और हमारी कोशिश है कि जितनी भी शिकायतें आए वो जितनी तेजी से उनका निस्तारण हो सकता है उतनी तेजी से उसमें कार्रवाई हो। खबर प्रयागराज के फूलपुर से है, जहां पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके तहत उपजिलाधिकारी ने आए हुए लोगों की समस्याएं सुनी और इस दौरान कुल 14 फरियादियों ने प्रार्थना पत्र भी दिया, जिसके तहत कुछ समस्याओं का निस्तारण तत्काल कर दिया गया और जो बची हुई थी उसका निस्तारण करने के निर्देश उससे संबंधित अधिकारियों को दिए गए। खबर आगरा से है, जहां पर एक कोरियर कंपनी के ऑफिस में तमंचे के बल पर कुछ अपराधियों ने बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि इसके तहत लगभग 40 लाख रुपए की लूट की गई है। लूटपाट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पूरा मामला आगरा कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।